प्यारे दर्शकों, सभी को जय यीशु की। मेरा नाम वेरोनिका जॉर्ज है और मैं होली फैमिली चर्च ज्वालापुर पैरिश से हूँ। मेरा विषय है विश्वास और तर्क, आज हमारे जीवन में इनकी भूमिका। विश्वास क्या है और हम ख्रिस्तियों के लिए यह कितना जरूरी है? हम कैसे जान सकते हैं कि कहीं हमारा विश्वास कमजोर तो नहीं होने लगा? आइए हम इन बातों को जानने के लिए एक बार पेत्रुस के जीवन को देखें। जब पेत्रुस पानी पर चल रहा था तो वह आंधी और लहरों को देखकर डर गया। इन लहरों की तुलना उन मुश्किलों और जुल्मों से की जा सकती है जिनका हम ख्रिस्तियों को आज सामना करना पड़ता है। लेकिन याद कीजिए, पेत्रुस के साथ क्या हुआ? ऐसा नहीं कि वह आंधी और तूफान की वजह से डूबने लगा। इसके बजाय गौर कीजिए कि बाइबल क्या कहती है, तूफान को देखकर वह डर गया। पेत्रुस प्रभु यीशु की तरफ देखने के बजाय इस बात पर ध्यान देने लगा कि तूफान कितना भयानक है, तभी उसका विश्वास कमजोर होने लगा। उसी तरह अगर हम अपनी परेशानियों पर ध्यान देने लगे तो हम ये शक करने लग सकते हैं कि पता नहीं ईश्वर हमारी मदद करेंगे या नहीं। हम पेत्रुस के इस अनुभव से विश्वास के बारे में दो बातों पर गौर करें। पहला, पेत्रुस का विश्वास क्यों कमजोर होने लगा, और दूसरा, पेत्रुस को अपना विश्वास मजबूत करने में किस बात ने मदद की। इन मुद्दों की जांच करने से हमें मदद मिलेगी कि हम कैसे विश्वास में मजबूत खड़े रह सकते हैं। हमारा विश्वास किसी खजाने से कम नहीं। पेत्रुस अपने विश्वास की वजह से ही पानी पर चल पाया, या यूं कहें कि एक ऐसा काम कर पाया जो हम इंसानों को नामुमकिन लगता है। परंतु विश्वास होने से हम भी ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो असंभव लगते हैं। जब हम अपने विश्वास के पिता इब्राहिम के जीवन को देखते हैं, उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया तो देखिए जो असंभव था वह भी हो पाया, और वृद्धावस्था में ही ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र दिया। हमारा विश्वास लगातार हमें मजबूत बनाता है। इससे भी बढ़कर विश्वास की वजह से ईश्वर हमें एक शानदार तोहफा देगा, जी हाँ, हमेशा की जिंदगी। हम पेत्रुस की तरह यीशु को देख तो नहीं सकते, फिर हम यीशु पर कैसे अपनी नजर टिकाए रख सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। और हम प्रभु के वचन में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्यांश 20 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो यहाँ से हट जा और वह हो जाएगा। इसलिए हमारा विश्वास भले ही राई के दाने के बराबर हो पर मजबूत हो। और हाँ, सिर्फ कहने भर से नहीं कि मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ, बल्कि अटूट विश्वास के साथ कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो आइए ईश्वर से विनती कीजिए कि वो विश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद करे, क्योंकि विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, नैया रूपी जीवन में रख प्रभु को साथ, लहरों से ना डर, रख प्रभु पर आस, राई के दाने बराबर भी हो तेरा विश्वास, तो हो असंभव कार्य भी तेरे साथ। जय यीशु।